थाना चिलकाना में दुमजड़ा गांव में पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो स्मैक का कारोबार कर रहे हैं और वह छोटी कुड़िया बना के लोगों को स्मैक बेच रहे हैं। इस पर पुलिस की लगातार सतर्क रहती थी गांव पे, और इसी क्रम में कल रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि बरेली से ये लोग स्मैक लाए हैं और इस पर इनके घर दबिश दी गई, तो वहाँ से 260 ग्राम स्मैक मिली है और करीब 1.25 लाख रुपया मिला है जो कि इन्होंने बेचने के बाद कमाया था। इस पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य इनके साथी मौके से फरार हुए हैं। ये पूरा एक गैंग है जो कि इरफान और सादा जो है वो चलाते हैं वहाँ पर, इनके गैंग लीडर हैं। इसमें इनके साथ में 5-6 अन्य अभियुक्त और भी हैं जो इसमें वितरण में इनकी मदद करते हैं, और इनका मूल रूप से काम यह है कि ये बरेली से संपर्क करते हैं और वहाँ पर जो भी व्यक्ति से इनको मिलता है स्मैक का सामान वो लाते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के अपने अन्य साथियों की मदद से इसे बेचते हैं। तो सर शहर में कहाँ कहाँ बेचते हैं, जिले में कहाँ कहाँ बेचते हैं? ये चिलकाना और आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं और वहाँ पर जो नवयुवक हैं उनसे संपर्क करते हैं। ऐसी ही पूर्व में भी कई सूचनाएं मिली थी जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछले एक साल में तकरीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर में जब्त की गई है और दर्जनों मुकदमे गैंगस्टर के अंकित किए गए हैं। कई स्ट्रीट्स भी खोली गई है। जनपद में जितने भी इस प्रकार के गांव या इलाके हैं जहां पर की इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिल रही है वो सभी निगरानी में है और यदा समय समय पर इस पर कार्रवाई भी होती रही है। इसी क्रम में थाना चिलकाना द्वारा भी ये कार्रवाई की गई जिसमें की 260 ग्राम स्मैक और 1.25 लाख रुपया बरामद हुआ है। ठीक ठीक।